photoelectric when a beam of light of suitable wavelength or frequency is allowed to fall on the surface of metal such as potassium, cesium, rubidium, electrons are emitted or ejected from the surface of the metal. This phenomenon of emission of electron emission of electron is known as photoelectric effect this phenomenon of emission of electron is known as photoelectric effect. Photoelectric effect. तो ये हमारा पहला डिस्कशन था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट किसको बोलेंगे, ठीक है? आगे हम पढ़ेंगे अभी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है क्या नहीं. When a beam of light of suitable wavelength कम भी नहीं होना चाहिए, suitable wavelength होना चाहिए और frequency is allowed to fall, last time हमने समझाया था इसको, on the surface of metal, this one is metal surface where electron are eject out on the surface, when a beam of light will fall, when a beam of light will fall, then when a beam of light will fall, then electron will be ejected on the surface. When a beam of light of suitable wavelength or frequency is allowed to fall on the surface of metal, such as
दिस मेटल विल बी मे बी पोटेशियम मे बी सीजियम एंड रुबिडियम. इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड और इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल. दिस फेनोमेनन इज ऑफ इमिशन, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. हैव यू एनी डाउट व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? हैव यू एनी डाउट एनी स्टूडेंट? ओके राइट डाउन हो गया. राजवी नो, साहिल नो, रेस्ट ऑफ स्टूडेंट डू यू अंडरस्टैंड? बिकॉज हमने लास्ट क्लास में इसको आपको सारा चीज अंडरस्टैंड करके दिया था, केवल राइटिंग करवाना बाकी था. यस और नो? ओके राइटिंग हो गया. सबने राइटिंग कर लिया. ओके नेक्स्ट पॉइंट. इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम मेटल सरफेस. इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम मेटल सरफेस, मेटल सरफेस. इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम metal surface as soon as the beam of light strike the surface, as soon as the beam of light strike on the metal surface. Electrons are ejected from metal surface as soon as the beam of light strike on the metal surface. There is no time gap between striking of light beam. There is no time gap between striking of beam of light. There is no time gap between striking of beam of light and ejection and ejected electron. जैसे ही स्ट्राइक होता है वैसे इलेक्ट्रॉन्स बाहर इजेक्ट आउट हो जाते हैं, उनके बीच में कोई टाइम गैप नहीं होता है, कोई उसमें टाइम स्पेंड टाइम नहीं लगता है, एज सून एज तुरंत इजेक्शन हो जाता है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट. सेकंड पॉइंट था ना, सॉरी थर्ड पॉइंट. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू, इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट और brightness of light.
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। तुम ये जानते हो कि अगर विंटर सीजन, मेरे को ये बताओ अगर हम सोलर पैनल लगाते हैं तो विंटर सीजन में ज्यादा चार्ज होता है या समर के सीजन में, किस सीजन में ज्यादा चार्ज होता है? समर के टाइम। तो उस समय ब्राइटनेस कब ज्यादा होगा, समर के डेज में होता है या विंटर के सीजन में? ब्राइटनेस ऑफ लाइट समर के टाइम। तो ब्राइटनेस ज्यादा होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलने के इजेक्शन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल, दैट मींस मोर इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एंड दैट विल बी स्टोर्ड इन द बैटरी, दैट्स व्हाई इट विल बी मोर रैपिडली चार्ज, तुरंत चार्ज हो जाएगा, इट विल बी चार्ज रैपिडली। ओके ना, राइटिंग हुआ आपका ये सेकंड थर्ड, सारा वन बाय वन सारे पॉइंट हमने पिछले क्लास में हमने सारे पॉइंट को अंडरस्टैंड करके दिया था आपको। कोई डाउट इसमें सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट में? चलो राइटिंग हो गया सेकंड और थर्ड पॉइंट। तो मेटल के सरफेस पे क्या हुआ, मेटल के सरफेस पे सनलाइट, सनलाइट क्या हुआ, स्ट्राइक हुआ, कोलाइड हुआ। ओके, सनलाइट क्या हुआ, कोलाइड हुआ। आफ्टर कोलाइडिंग इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड एंड देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन कोलाइडिंग ऑफ सनलाइट एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इफ मोर intensity of light or brightness of light then more number of electron will ejected, yes or no? राइटिंग हो जाए तो बोलना। सबने लिख लिया? ओके, नाउ पॉइंट नंबर फोर्थ। पॉइंट नंबर फोर्थ में हमने आपको समझा के दिया था, क्या समझा के दिया था, मान लो कि हमें जो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड तोड़ के और सरफेस पे आना है तो उसको आने के लिए 10 जूल चाहिए और सनलाइट में 50 जूल, वो 10 जूल का ही यूज करेगा ना, यानी उस सनलाइट में मिनिमम 10 जूल का एनर्जी उसके पास होना चाहिए, यानी कि अगर उससे 10 जूल से कम होगा तो इलेक्ट्रॉन्स उस बॉन्ड को तोड़ के इजेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो उस बॉन्ड को तोड़ के इलेक्ट्रॉन्स को अगर सरफेस पे आना होगा तो मिनिमम उसके पास उतना फोर्स होना चाहिए, उतना एनर्जी उसके पास होना चाहिए, उससे ज्यादा रहे और बेटर है बट मिनिमम उसके पास उतना होना चाहिए, और इसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो पॉइंट नंबर फोर्थ जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करें। ईच मेटल, फॉर इच मेटल, फॉर इच मेटल देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स, देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी,
मिनिमम फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट ऑल्सो नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑल्सो नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑल्सो नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी threshold frequency also known as threshold frequency below which photoelectric will not absorb below which photo electric will not absorb below which photo electric will not absorb at the frequency at a frequency at a frequency mu is larger than mu naught the ejection of electron come out the ejection of electron come out with a certain kinetic energy with a certain kinetic energy with a certain kinetic energy the kinetic energy of this electron increase with an increase in frequency. The kinetic energy of this electrons increase with increase in with increase in frequency of the light used frequency of the light used one point is important is there here the kinetic energy will not depend upon intensity but number of electron ejected will depend upon intensity but kinetic energy not depend upon intensity क्योंकि light कितना भी brightness ज्यादा बढ़ जाए frequency तो उतना ही रहेगा that means kinetic energy will not depend upon intensity will not depend upon intensity on brightness of light अरे इसको समझ लो हालांकि पिछले क्लास में हमने समझाया था फिर बता दिया जैसे कि ये मेटल सरफेस ये जो है वो मेटल सरफेस अब यहां से इलेक्ट्रॉन्स को यहां इलेक्ट्रॉन्स इसको इजेक्ट होकर सरफेस पे आना है आने के लिए मिनिमम उसको 10 जूल रिक्वायर्ड एनर्जी सनलाइट पड़ा
अगर उसके पास 9 जूल है तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा नहीं, चेक नहीं होगा, कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल नॉट ऑब्जर्व। तो इजेक्ट होने के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए ताकि इस बॉन्ड को यहाँ से यहाँ लाने के लिए वो, यानी अगर यहाँ से यहाँ लाना है 10 जूल चाहिए तो मिनिमम उस लाइट के पास 10 जूल एनर्जी चाहिए। दैट मिनिमम एनर्जी जो उसके पास, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो उसके पास होता है, फ्रीक्वेंसी से हम एनर्जी निकाल लेते हैं E वोल्टेज रेशियो, तो उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। ये अब इस ये अपना अपना मेटल के लिए अपना अपना एनर्जी अलग अलग होगा, कोई इलेक्ट्रॉन्स में लूजली बाउंडेड होगा, कोई इलेक्ट्रॉन्स में टाइटली बाउंडेड होगा। अगर हम बात करेंगे सीजियम को यूज क्यों करते हैं सर, सीजियम में इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंडेड होता है ताकि हम उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर इजेक्ट आउट कर सकते हैं। हमने पढ़ा भी है आयनाइजेशन एंथैल्पी में कम होता है, इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से बाहर निकाल लेते हैं। तो ईच मेटल देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी हर एटम हर मेटल के पास अपना अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, यानी उस इलेक्ट्रॉन्स को कौन ज्यादा बाउंड करके रखा है, ज्यादा बाउंड करके रखेगा तो उसमें एनर्जी ज्यादा लगाना पड़ेगा, लूजली बाउंडेड होगा तो हम आसानी से इलेक्ट्रॉन्स बाहर इजेक्ट आउट करा सकते हैं, यानी इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होना चाहिए। मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट ऑल्सो नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी below which photoelectric will not observe, अगर उस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है और उस परमाणु को तोड़ना है, तो हम फोर्स लगा रहे हैं, एक फोर्स नहीं लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा फोर्स लगाने की टूट जा रहे हैं, तो हम ऐसे नहीं क्या फोर्स नहीं लगा रहे, तो इसका ब्रेकिंग अभी नहीं हो रहा है लेकिन फोर्स को लगा रहा है। तो अगर ये न्यू नॉट का वैल्यू यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है इसका फ्रीक्वेंसी, तो वो फोटो इलेक्ट्रिक हमें दिखेगा लाइट एट ए फ्रीक्वेंसी न्यू, लाइट के पास जो फ्रीक्वेंसी है न्यू इज लार्जर देन न्यू नॉट, यानी मिनिमम से उससे ज्यादा होना चाहिए। द इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड आउट विद ए सर्टेन काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का सरफेस पे आना और सरफेस पे आएगा तो मान लो यहाँ से हमें के लिए 10 जूल चाहिए, उसके पास लाइट के पास 50 जूल है तो 10 जूल का यूज कर लिया उसने, रेस्ट जो 40 जूल है उसका यूज कहाँ करेगा, उसको इलेक्ट्रॉन्स को जंप कराने में, यानी उसको काइनेटिक एनर्जी मिले जाने में। और काइनेटिक एनर्जी मतलब वो वायर के थ्रू बाहर जाएगा, वो वायर लगा रहेगा ना, काइनेटिक एनर्जी मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स उड़ने लग गए हमें दिख रहा है इलेक्ट्रॉन देखो उड़ता हुआ दिख रहा है, काइनेटिक एनर्जी आ जाना मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वायर के थ्रू बाहर जाने लग गया है, उसमें मूवमेंट आ गया है, तो इलेक्ट्रॉन्स कम आउट विद ए सर्टेन काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, उस काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाया जा सकता है कब, फ्रीक्वेंसी बढ़ा के, हालांकि हम सब लाइट फ्रीक्वेंसी बढ़ा नहीं सकते, इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट यूज, जो हम लाइट यूज करते हैं उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ा के दिया जा सकता है। आपसे बहुत ही फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या काइनेटिक एनर्जी गर्मी के समर डेज में और विंटर डेज में क्या काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगा, हम ये बोलेंगे सनलाइट है अगर तो सनलाइट या तो समर के डेज में हो या विंटर का सीजन में, उनका फ्रीक्वेंसी तो वही रहता है ना, इंटेंसिटी अलग बात है, ब्राइटनेस अलग बात है, ब्राइटनेस तो ब्राइटनेस से काइनेटिक एनर्जी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्राइटनेस से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आने का स्पीड बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजेक्ट आएंगे लेकिन काइनेटिक एनर्जी जंप करने वाला जो स्पीड और उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो डिपेंड नहीं करेगा। That means brightness or intensity उस kinetic energy को affect नहीं डालते हैं, लेकिन brightness जो है वो अब हम summer days में क्यों कर रहे हैं, summer days में electrons का jump कराने की speed नहीं change हो रहा है, number of electrons बढ़ जा रहा है, that's why in summer days solar जो panel होता है ज्यादा charge होता है। यहाँ पर इस बात को लिखा है कि kinetic energy will not depend upon intensity or brightness। You understand what I'm telling?
राइटिंग हो गया सबका। तो हमने यहाँ पर डायग्राम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का दिया है। लाइट इस मेटल सरफेस से पड़ रहा है, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो रहा है और फिर ये इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है और ये डिटेक्टर है तो ये इसको डिटेक्ट कर रहा है, ऑब्जर्व करेगा ये कर इलेक्ट्रॉन किस वायर के थ्रू बाहर निकलेगा। यहाँ एमिटर लगा हुआ है, एमिटर करंट को मेजर करेगा और यहाँ पर प्लस और माइनस, अगर हम यहाँ बैटरी लगा देंगे तो स्टोर भी हो जाएगा, ये स्टोर भी हो जाएगा। डायग्राम निकालो सारे। राइटिंग हो गया। डिटेक्टर क्यों यूज करते हैं, इसलिए कि इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करता है, इलेक्ट्रॉन से यहां से निकल के जाएगा तो इसको ये ऑब्जर्व करने के लिए चाहिए ना, डिटेक्ट करने वाला इसको नहीं। अगर डिटेक्टर होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के जाना है तो उसको वायर के थ्रू एंट्री कराना पड़ेगा ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ से वायर के थ्रू आएगा और हमें यहाँ पर स्टोर करना है तो स्टोर कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे जो मुझे बताओ, मेटालिक बॉन्ड को तोड़ना, ब्रेक करना, टू ब्रेक दी मेटालिक बॉन्ड एंड गो टू सरफेस ऑफ द मेटल, इतना हम क्या बोलते हैं। लास्ट टाइम मैंने बताया था दैट इज नोन एज टू ब्रेक दी मेटालिक बॉन्ड एंड गो टू electron go to on the metal surface, that is known as, yani ek metallic bond ko todna pe jo laga hua energy aur uske baad us energy ke dwara metal ko surface pe jana, that is known as work function, last time bola tha na, to isko main bol raha hu aap write down kijiye, isme likhna electrons in metal are held by electrons in metal are held by electrons in metal are held by some attractive force that is known as metallic bond, that is known as metallic bond, that is known as metallic bond, that is known as metallic bond। आगे लिखना
टू ओवरकम दिस फोर्स, टू ओवरकम, टू ओवरकम दिस फोर्स, टू ओवरकम दिस फोर्स, टू ओवरकम दिस फोर्स, सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम दिस फोर्स, सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड विच इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल, विच इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल, विच इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल, यानी मेटल मेटल पर डिपेंड करेगा, इसमें ज्यादा फोर्स है इसमें कम फोर्स है, टू ओवरकम दिस फोर्स सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, और दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल, यानी मेटल मेटल पर डिपेंड करेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल, दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन, दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन एंड रिप्रेजेंटेड बाई डब्ल्यू नॉट और फाइव, रिप्रेजेंटेड बाई डब्ल्यू नॉट और फाइव। ओके, तो हमने आज आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया, वर्क फंक्शन के बारे में बताया, और काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है ये बताया। अब नेक्स्ट क्लास हम एक इक्वेशन लिखेंगे कि जब यहाँ से काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, कि लाइट में एनर्जी कितना है, कितना इसमें वर्क फंक्शन लगा, कितना एनर्जी बॉल को ब्रेक करने में लगा, कितना एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में देना पड़ा। हम नेक्स्ट क्लास में हम आपको एक इक्वेशन लिख के देंगे, ठीक है, फिर हमारा ये टॉपिक एंड हो जाएगा, फिर हम दो तीन न्यूमेरिकल करेंगे बेस्ड ऑन दैट थ्योरी। ओके, हैव यू एनी डाउट देन टेल मी। ओके, थैंक्स टू ऑल।